तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन के मदद से आपके कोई भी प्राइवेट फोटो या फिर आपके पास कोई वीडियो हो तो वो आप एक क्लॉक में छुपा सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है आपको? देखिए, आप कोई ऐप लॉकर यूज करते हैं तो आपके फ्रेंड या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको उनका पासवर्ड आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उसको देना पड़ सकता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ जो एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ एक घड़ी के बारे में, उस घड़ी के अंदर आप कुछ भी छुपाओ वो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि वो जो घड़ी है ना वो इस तरह से मतलब डिजाइन किया हुआ है कि उसके अंदर कोई भी फोटो या फिर वीडियो है कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि उसके अंदर कुछ है, तो कोई आपको इसके पासवर्ड नहीं पूछेंगे और आपको देना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो प्राइवेट फोटो या वीडियो है वो एक क्लॉक के अंदर छुपा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन इसके पहले भी इनका रिव्यू कर चुका हूँ, जो एप्लीकेशन अभी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा या फिर आपको एनोटेशन पे मिल सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी सेम तरह से काम करता है, ये कैलकुलेटर के अंदर ये फोटो या वीडियो को छुपाता है। तो आज का जो टॉपिक है एक घड़ी के अंदर कैसे छुपाना, तो उनके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लॉक लॉकर ऐसे करके सर्च कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और 4.6 का इनका रेटिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल एप्लीकेशन है और पॉपुलर एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जस्ट इसे ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन पूछेगा आपको, तो उससे आपको इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरह से करना है, आप जितने टाइम सेट करेंगे इसे आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही कर देता हूँ कुछ टाइम। तो यहाँ पे उसके बाद ये जो मिडिल यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिडिल में एक सिक्का जैसे बना हुआ है, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर से आपको सेट करना पड़ेगा वही जो आपने सिलेक्ट किया पासवर्ड। ओके, बूम, काम हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना है, उसके बाद सेटअप कंप्लीट करना है, क्योंकि आप पासवर्ड भूल जाते हो ना तो इस ईमेल आईडी में वो पासवर्ड जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी भरने के बाद आप फिनिश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके कोई भी मीडिया या फिर वीडियो को आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक फीचर्स है जो कि यहाँ पे आप ऐड देख के एक दिन के लिए जो है ऐड फ्री एप्लीकेशन चला सकते हैं या फिर आप वो भी खरीद सकते हैं आपको जरूरत होगा तो। तो देखिए, एक कोई नॉर्मल इंसान देखेगा ना तो एक अलार्म क्लॉक ऐसा ही कुछ सोचेगा लोग, एक घड़ी है ऐसा कुछ देखेगा नहीं। आप नॉर्मली देख सकते हैं इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, किसी को शक नहीं होगा, तो इसके बारे में नहीं पता होगा तो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वीडियो या फिर कोई फोटो को आप यहाँ पे छुपा सकते हैं। उसके बाद आपको कभी जरूरत होगा कि आप उसे एक्सेस करें तो यहाँ पे फिर से मिडिल में आप टैप कर दीजिए जो जहाँ पे सिक्का जैसे बना हुआ है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था उसे आपको फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्के जैसे बना है उसके बाद टैप करना है, उसके बाद वो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप आ जाओगे। तो इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन और किसी को शक नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप अपना प्राइवेट फोटो को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।